की पहचाने बहुत तो सबको पता होगी, जैसे बड़ा चाकू लगा हुआ है 20-25 फीट का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देख नहीं सकते, चारों तरफ ढकी हुई थी कुछ, तो हम माफी चाहता हूँ क्योंकि। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कल मैंने एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाया था, एक मिनी ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने बताया था मैं कहाँ कहाँ क्या रहने वाला हूँ, कहाँ क्या काम घूम करता हूँ। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। और फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने रामपुर, और आज रामपुर की मैं अपने जो हमारे रामपुर की पहचान है बहुत सबको पता होगी, जैसे मुरादाबाद बिरयानी, हापुड़ का पापड़, आगरा का पेठा, वो बहुत जगह की अलग अलग होती है। जैसे ऐसी हमारी है बरेली का झुमका होता है, और जैसे हमारी ये नहीं बरेली का सुरमा है, और हमारे रामपुर का चाकू रामपुरी चाकू जो होता है, तो वो एक बहुत बड़ा चाकू लगा हुआ है 20-25 फीट का। तो अभी लगाया वो, तो हमारे रामपुर की पहचान है वो। तो मैं आज वो दिखाऊंगा आपको चलकर, और रास्ते में दिखाऊंगा अपने ये पुलुल, कोसी नदी, ये सब पार कर चलेंगे। तो देखते हैं अपने रामपुर चाकू कितना बड़ा, अभी तक मैंने देखा नहीं सामने से, फोटो में आया था अभी, लगा था 2-3 दिन हुए तभी मैंने, देखने जा रहे हैं हम। तो बने रही मेरे साथ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये रही अपनी लाली, स्टार्ट हुआ हुआ है, अपने चल पड़े रामपुर की ओर, रामपुर का चाकू जो होता था। फ्रेंड्स ये पुल अभी बन रहा है, और अभी पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो बीच में नदी से दिखाते हैं, अभी तक चलते हैं, बहुत धूल उड़ रही है यहाँ पर। फ्रेंड्स ये रहा, देखिए पुल अभी बन रहा है ये, और ये आजम खान जी ने तोड़वाया था, उनकी सौगात है, जो हमेशा कोसी से निकल कर जाना पड़ रहा है। ये कच्चा पुल देख सकते हैं, थोड़े जूम करता हूँ, अभी ये बना हुआ है कच्चा पुल, इसी से तोड़ के जाएंगे अपने, और इसी से आना जाना हो रहा है अभी, जब तक ये रेडी नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को, चलते हैं अपने नाम। फ्रेंड्स देखिए ये पुल है हमारा लालपुर कोसी नदी का, इसी का उद्घाटन करना आगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये कच्चे पुल से काम चलाना पड़ रहा है जब तक, हमें बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ता है, बहुत धूल होती है यहाँ पर। ये देखिए बुलेरो रोड आ गई, धूल आकर ऐसे ही रहता है यहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए सारा कच्चा रोड है अभी ये, अब ये बन रहा है, लेकिन जब अभी हम इसी रोड पर दोबारा से आगे वीडियो बनाऊँगा तो ये रोड बन चुका होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत तेज़ी से रोड बना था ना ये, अभी आगे दिखाऊंगा, और कि यही रोड अभी बन चुका है, बहुत ज़्यादा वीआईपी होकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चला था इस पर। और फ्रेंड्स इस पर गाड़ी भी नहीं चल रही थी, तो वो मतलब छोटे छोटे पत्थर है, उस पर गाड़ी भी बहुत हल्का हल्का चला नहीं पड़ रही थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे ना, तो गाड़ी में भी लग रहा था, और गाड़ी मतलब फिसल ज़्यादा रही थी इस पर, एक हाथ से फिर वीडियो बना रहा था। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने यही आजम खान का पुल, जो गाड़ी लगा दी ना आई थ्री स्मार्ट पर, मैं दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल शांत वाले पुल पर आ चुके हैं, बिल्कुल शांत रहता है, एक दो सवारी चलती है इस पर, देख सकते हैं पीछे बिल्कुल खाली होगा। अब आप दिखाते हैं आगे का थोड़ा सा, गाड़ी आई थ्री पर लगा दी थी ना, हो गई स्मार्ट, चलते हैं थोड़ा दिखाता हूँ, बिल्कुल शांत रहता है, ये एक दो सवारी आ जाती है इस पर। कैसे ये ब्लॉग, जैसे आपने पोस्टर में पढ़ा होगा कि हम वो चाकू नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैंने चाकू के लिए स्टार्ट किया था ये ब्लॉग 2 महीने पहले, क्योंकि उस टाइम ठंड थी, मैं जैकेट रुकेट में था, इसी रोड से गया था, तब ये रोड कच्चा था, पड़ रहा था फ्रेंड्स, और आज 2 महीने हो गए, और जब ठंड भी थी, गर्मी भी आ गई, लाली खड़ी अपनी, तो जब से अभी तक वो राम ये रोड ही पड़ गया, आप देख सकते हैं पूरा रोड पक्का हो गया। मेरा भी जो स्टार्ट में ब्लॉग शुरू होगा वहाँ पे देखा होगा, बिल्कुल कच्चा था, हम यहीं से गए थे रामपुर चाकू देखने के लिए, लेकिन तब मुझे लौट कर आना पड़ा था, क्योंकि उस पर वो चारों तरफ ढकी हुई थी कुछ, तो हम देख ही नहीं पाए थे। और जब से मैं अभी लगातार उसे फॉलो कर रहा हूँ, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, मतलब ये हमारा रामपुर ये लालपुर का जो पुल है, इसका उद्घाटन और रामपुर चाकू का उद्घाटन एक साथ होएगा, योगी जी आएंगे तब उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन अभी कन्फर्म कुछ पता नहीं है कब आएंगे। तब तक ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा समय का हो रहा था, तो मुझे लगा इससे थोड़े बहुत एंड बनाकर वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, उसका दोबारा शुरू से बनाएंगे, क्योंकि उसमें जैकेट उकेट दिखाई थी हमने तो शुरू में, लेकिन जैकेट का गर्मी हो गई थी और वो उसका उद्घाटन हुआ नहीं, इसलिए मैं इसे ही यहीं पे करते हैं। तो इस ब्लॉग में कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ नहीं था दिखाने के लिए, फिलहाल देखने जा रहे थे, अभी मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगा, आप फोटो देखना, और फिर हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि वो सर्दी का था ना, और ये रोड जा रहे थे हल्के हल्के, रोड भी नहीं बना था, अब सब हो गया और रोड बहुत चलने लगा, लोग मुझे देख देख के आ रहे हैं, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स नया ब्लॉग शुरू करेंगे दोबारा से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि देख नहीं सकते, अभी भी पता नहीं है कितने दिन बाद, 10-15 दिन लग जाएंगे तब उसका उद्घाटन होगा, तब हम बिल्कुल शुरू से नए ब्लॉग में दिखाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि
स्टार्ट किया था हमने बना के रामपुर चाक दिखा, लेकिन लेकिन वो उसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो बाद में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। नए ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।